ऐसा है कि 4 दिन पहले ही अटैक हुआ था, तो उसके लिए काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पिछले बार भी जब हम आए थे तो हर 10-15 कदम पे आर्मी खड़ी थी। बिल्कुल पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान है। बिल्कुल पाकिस्तान का आदमी है। आप कौन से देश? आज भी दो मारे ना इधर, ये पूरा इधर जंगल है। मारे अभी आगे इनको आतंकवादी पाकिस्तान में कोई? हाँ, दो मारे, एक आर्मी का मेजर, एक सिपाही का, एक बेसिक का। ओह, शहीद हो गए। यहाँ से कितनी दूर में हुआ होगा? इससे सारा कोई दूर है। दूर है 50 साल श्रीनगर के रास्ते में। हाँ, अनंतनाग हुआ। तो आज हम जा पाएंगे? यार जम्मू की गर्मी नेक्स्ट टू डेली। गुड मॉर्निंग गाइस, आज क्या है, आज सेकेंड डे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो हम आपको पता होगा कि हम आए थे दिल्ली से, दिल्ली से लद्दाख जा रहे हैं और पहला स्टॉप लिया था जम्मू में। तो जम्मू से आज करना है सोनमर्ग। अभी टाइम हो रहा है करीब 9 बज रहे हैं, हमने ब्रेकफास्ट करना है, 10 घंटे की राइड आज भी है। तो होप्स हो कि आज भी अच्छे से पूरा राइड हो जाए। अभी पूरे रूम की हालत कुछ ऐसी है, सब कुछ करना है पैक। तो एक बार नाश्ता करके, पैकिंग करके मैं मिलता हूँ आपको अपने गोप्रो पे। तो यार अभी क्या है, अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल जम्मू से हमें जाना है सोनमर्ग। तो मैप तो लगाया नहीं है क्योंकि अब तो रास्ता सीधा सीधा ही है, पर 10 घंटे का रास्ता है तो देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं। आगे रेड लाइट भी है, तो एक बार ही हाईवे पे पहुंच जाऊं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो ऐसा था कि हम जहाँ रुके थे वो जम्मू से 13 किलोमीटर पहले था, हम थोड़ा पहले पे रुक गए थे क्योंकि आगे यार ऑब्वियसली जाम वगैरह रहता है। तो हम और ओयो पे बुकिंग थी तो कुछ पता भी नहीं चला कि किधर है। तो अभी पहले हम जाएंगे मेन जम्मू सिटी एंड देन वहाँ से जाएंगे उधमपुर। पिछली बार जब हमने उधमपुर किया था यार, देखो जम्मू आए और पूरे कैंट की गाड़ियाँ आर्मी फोर्सेस की। तो पिछले बार जब हमने जम्मू किया था तो ये सीन था कि उधमपुर तक रोड सही थे और उसके बाद बहुत ही बकवास रोड था, बहुत ही गंदा जाम था। आई होप आज ऐसा ना हो और आज हम अच्छे से निकल जाए। तो आप अगर जम्मू सिटी में जाओगे तो रास्ता पीछे से है और इधर से जाओगे तो ये रास्ता श्रीनगर का है। पिछले बार हम थोड़ा अंदर चले गए थे रूम खोजने के चक्कर में, पर इस बार ही पूरी इन्फॉर्मेशन है तो दिक्कत तो यार होनी ही नहीं है। तो ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे, मुझे सर्विस सेंटर दिखा KTM का जम्मू में, तो मैंने सोचा एक बार बस पूछ लेता हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ज़्यादा लीन नहीं करना है। कितने देर में हो जाएगा साफ? मैं इसको साफ कर देता हूँ, अगर सील नहीं कटी होगी तो रुक जाएगा। देख कट गई होगी ना फिर रुकेगा नहीं। ठीक है, कर दो जरा साफ ही कर दो। अरे मेरे साथ ना सीन है, हर राइड पे कुछ ना कुछ होता ही है। ऐसे ऐसा नहीं होगा तो थोड़ा एडवेंचर नहीं होगा ना। KTM है, और आप KTM लेके आओ पहाड़ों पे, यही सबसे बड़ा एडवेंचर है। और उसके बाद KTM की सर्विस सेंटर मिल जाए, वो नेक्स्ट एडवेंचर है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, मैंने उसको बोला तो उसने बोला यार साफ वाफ कर देता हूँ आपका, शॉकर ऑयल लीक हो रहा है, मेरे पास टूल नहीं है सही करने का। तो मैंने कहा यार रहने दे भाई, साफ वाफ मैं खुद कर लूँगा, लेट नहीं करना क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो अभी फ़िलहाल जय माता दी लेट्स रॉक ही हो रहा है। चलो सोनमर्ग में देखते हैं, फिर कारगिल और फिर लेह। ज़्यादा होगा तो लेह में कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा। तो यार देखो ये जो आप रोड देख रहे हो ये जा रहा है उधमपुर को। जब मैं पिछली बार आया था तो इस रोड पे मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि ये पहाड़ों वाला रास्ता और ये ऐसा पहला रोड था जिसने मुझे पहाड़ों से मुखातिब कराया था बाइक के साथ, और मेरी फट के चार हो गई थी क्योंकि जब अक्षय लीन कर रहा था, बाय द वे अक्षय मेरा फ्रेंड है जो कि जम्मू में रहता है, और वो जब लीन कर रहा था मुझे लग रहा था यार ये बंदा कितना सही चला रहा है, और मैं उस टाइम एकदम नूब, मैं क्लच दबा के चला रहा था। तो अभी फ़िलहाल तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया है चलाने, लेकिन पिछली बार तो यार बैंड बज गई थी मेरी यहाँ पे। तो अभी यहाँ से उधमपुर तक का रास्ता काफ़ी प्यारा है, उसके बाद आएगा श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ से कुछ 300 किलोमीटर है, तो होप फॉर द बेस्ट कि आज हो जाए और नज़ारे नज़ारे। ये जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हो एग्जैक्ट यहीं पे हमने पेट्रोल लिया था और मेरी यहाँ पे फट के चार हो गई थी क्योंकि मैं कनेक्टेड नहीं था अंकित भाई से, और मुझे लग रहा था यार ये ऐसा ना हो जाए कि ये बंदे आगे निकल जाए और मैं यहीं रह जाऊँ। नहीं एक्चुअली बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, बात ये था कि अंकित भाई को लगा था कि बंदे को थोड़ा तो एक्सपीरियंस है यार लॉन्ग राइड का या राइड का, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि राइड के नाम पर इस बंदे ने बस क्या करा है, तो दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली। यहाँ से श्रीनगर है 240 किलोमीटर और उधमपुर है 65। उधमपुर के बाद रास्ता ख़राब हो जाएगा, तो जो मज़े हैं बस यहीं तक के हैं, उधमपुर तक के।
तो ये है फर्स्ट टोल प्लाजा। एक्चुअली मेरे ख्याल से इसके आगे कोई टोल प्लाजा है भी नहीं, ये बस ये जो प्यारे रोड है उसके पैसे हैं। इसके बाद से आपको मेन जो पहाड़ है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। ये पूरा जम्मू सिटी है आप जस्ट लेफ्ट साइड में, और आगे पहाड़ शुरू हो रहे हैं। तो अब उधमपुर ज़्यादा दूर भी नहीं है, और ये जो पूरा रोड है ये फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है इसमें, इसलिए नहीं कि सिक्योरिटी विक्योरिटी, भाई सीधी सी बात है बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जो इसमें कि लोग फ़ोटो वोटो लेते लेते उनकी फ़ोटो टंगी ऊपर, तो इसीलिए फोटोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं है। इस रोड पे बहुत सारे टनल भी हैं। इस आज के वीडियो में आपको दो टनल दिखेगी, एक तो जवाहर टनल मोस्ट फेमस जो कि जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, और एक टनल है चेनानी नाशरी जो कि सबसे लंबा टनल है पूरे इंडिया में या शायद पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में भी। तो ये जो आप कट देख रहे हो ये है कटरा का, कटरा से आप वैष्णो देवी जाते हो, तो अगर आप जम्मू आ रहे हो और वैष्णो देवी के लिए तो यहाँ तक का आपका रास्ता सेम रहेगा, बाकी आगे का जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पट्टी टॉप भी जाया जा सकता है, अनंतनाग भी जा सकता है, बाकी श्रीनगर है यहाँ से 209 किलोमीटर। तो जितने लोग कहते हैं ना कि यार बाइक चाहिए मुझे तभी लद्दाख हो पाएगा, क्योंकि 100cc वाली बाइक से लद्दाख पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आप बाइक देख रहे हो ये 100cc वाली बाइक है, और इस बंदे ने पूरा मॉडिफाई करवा रखा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने स्प्लेंडर पे भी कराया है, जिनने प्लैटिना पे भी कराया है, और पिछले बार जब मैं जोजिला पे था भाई साहब इसने भी यामाहा आरएक्स 100, क्या बात है क्या बात है। पिछली बार जब मैं जोजिला पे था तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे जो साइकिल से चढ़ाई कर रहे थे, तो भाई बाइक राइड नहीं करती, बंदा राइड करता है। तो जो भी अच्छा अच्छा रोड था वो अब ख़त्म हो गया, अब जो है बस मैं हूँ टायर है और ये कच्चे पक्के रोड्स हैं। पिछले बार तो यार बैंड बज गई थी हमारे यहाँ पे, इस बार ही देखते हैं क्या होता है। तो यार ये देखो ये लेफ्ट राइट वाला जो रोड जा रहा है ये है ओल्ड रोड पटनी टॉप के थ्रू, और ये जो लेफ्ट वाला रोड है ये है आपका चेनानी नाशरी जो कि लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड है, ऑफ द इंडिया लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड, करीब 9 या 10 किलोमीटर का ये टनल है। एंड हियर वी गो। यार मैं सच बताऊँ सारी चीज़ें याद करके ना मुझे घूस बम पा रहा है। ये देखो ये देखो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फॉग, इसमें भी अभी कुछ नहीं दिख रहा था, धूल इतनी है भाई। मैं फ़ोटो लेने लग गया अंकित भाई आगे चले गए, मुझे लगा रुकेंगे फ़ोटो लेने के लिए। अभी मेरी पुरानी वाली टायर होती तो बहुत स्किड होती, लेकिन थैंक गॉड कि आई हैव इंस्टॉल्ड ऑफ रोडिंग टायर्स। पिछले बार ये पूरा यार ऑफ रोडिंग था, लेकिन इस बार ही रोड्स बन गए हैं। पिछले बार तो यहाँ हालत ख़राब हो गई थी, पिछवाड़े का बैंड बज गया था, लेकिन इस बार ही चलो रोड्स बन चुके हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि उस टनल से पहले मौसम कुछ और था, और इस और उस टनल के बाद मौसम कुछ और है। यहाँ तो ऐसा सीन लग रहा है कि बारिश होने वाली है, अपने को कोई जिंदा नहीं है भाई, बारिश से पूरी प्रोडक्शन है अपनी, सब कुछ अपने पास, रेनकोट भी एक्स्ट्रा है, वही टाइम बार बरसों रहे मेगा मेगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को। और ये यार शहर पता नहीं कौन सा है पर काफ़ी प्यारा है, क्योंकि इसके बगलों बगल देख देखो इसको, इसके एकदम जैसे ही पास पास से एक नदी जा रही है। पता है मुझे कि गोप्रो दिखा नहीं पाएगा, लेकिन सामने जो पहाड़ देख रहे हो उस पर थोड़े थोड़े बर्फ, और मौसम यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ी बारिश की संभावना है। वो देखो उधर पहाड़ जो है ना उस पर बर्फ है, उस पर भी पहाड़ जो बर्फ है। एक्चुअल में जो पहाड़ों का फील है ना वो अब आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये देखो रोड चल रही है और रोड के साथ साथ नदी भी चल रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कहाँ से आप? मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं रुका था यहाँ पे, रुके थे ना? मैं रुका था वहाँ खाना खाने के लिए, सबसे आगे वाले पहले वाले पे। हाँ। तो मैंने आपको आवाज मारी। अच्छा आप रुके नहीं, तो मैंने कहा चल छोड़ो, उसके बाद मैंने 4 बार कॉल किया आपको।
अरे कॉल कनेक्टेड ना, समझ गया था तो कॉल किया, तो आपने माइंड में आया कि आपको लग रहा है मैं आ गया हूँ, आप भागा रहे हो, गालियां दे रहे हो कि अंकित भाई छोड़ के चले गए। मुझे लगा कि था, मैं टेंशन में इसके लिए नहीं था, उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि कई जगह ऐसे कट आ रहे थे जहाँ बहुत दूर पे आप दिख रहे थे, मुझे पता था आप सेफ चल रहे हो। नहीं सेफ वेव का मुझे पता क्या तो होता है कि कुछ होना हाँ। मेरे चक्कर में भगा रहे हो ना बाइक, आपको लग रहा है कि अंकित भाई आ गए हैं। मुझे लगा कि आप वहाँ पे हो जहाँ पे हमने खाना खाया था, तो पीछे पीछे हो तो चेनानी नासिर के बाद ही होता था। अरे यार, तो लद्दाख आने में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हर जगह कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपको पेट्रोल लेना हो तो यहाँ पे। लेकिन ये कौन सी जगह, रामबन, यहाँ पे रामबन में पेट्रोल ले रहा हूँ, तीसरा है इस राइड का, और यहाँ पे है 72 रुपीज़ लीटर, 72.91 मतलब 73 हो गया, तो भर दो भाई 591.30। पानी मिल जाएगा, पानी है तो यार ये जगह है रामबन और यहाँ पे पेट्रोल लेने के रुके थे और बारिश के थोड़े मोड़े चांसेस हो रहे हैं, तो अभी अपने आप को वाटर प्रूफ करना होगा। इसमें अभी रेल लाइनर लगाया नहीं था, लेकिन अब लगता है लगाना पड़ेगा क्योंकि बारिश के पूरे पूरे चांसेस है। 2 बजने वाले हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं रामबन से श्रीनगर की ओर। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आगे मिलेगी, लेकिन इतना भी बारिश का सीन नहीं लग रहा है कि एकदम दबा के बारिश होने वाली है। उधर लग रहा है, उधर अगर हम उधर जाएंगे तो उधर दबा के बारिश होने वाली है, क्योंकि थोड़े पहले जब तक तो उस वो पहाड़ दिखाई दे रहा था और वो थोड़ा साफ सुथरा लग रहा था, आसमान उधर का साफ था, पर आगे तो थोड़ी मोड़ी बारिश तो है। और पिछले बार जब हम यहाँ पे थे तो इसका कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ था, इतना जाम था कि हम कैसे कैसे कट मार मार के आगे निकले हैं, तो इसीलिए ये पूरा रास्ता मुझे कुछ नया नया सा लग रहा है। तो अभी हमने रामबन में एक स्टॉप लिया था, अशोक पंजाबी होटल, ठीक ठाक सा खाना था, और अब हम निकल रहे हैं। और हमने अपने आप को एक चैलेंज किया, क्या चैलेंज किया अंकित भाई? ऑल द बेस्ट, अब सीधा सोनमर्ग, अब की बार सोनमर्ग पार। पिछले बार जब हम इस जगह पे थे तो करीब 4:30 के करीब थे और काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। और अभी जो है, मतलब मैं अपनी बात करूं तो दो मौसम बने पड़े हैं, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, अंदर गरम गरम पसीने आ रहे हैं। गरम गरम पसीने कैसे आता है? तो एक बार गाइस यहाँ से सामने व्यू देखो, ओ हो, नीचे देखो एक बार आप यार, ये जो व्यू है ना भाई, ये अंदर को ठंडक पहुँचा रही है। तो यार ये व्यूज जो, इसी के लिए तो हम प्लेन पे 6 घंटे 7 घंटे 12 घंटे 14 घंटे ऐसे मर मर के आते हैं। ₹140 है श्रीनगर, और काजीगुंड जहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्टे लिया था वो है यहाँ से 79, बोले तो 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक छोटी सी वाटरफॉल है जिसपे सब लोग फोटो वोटो ले रहे हैं, सेल्फी मैंने ले ली आज, पर अपने को तो यार बड़ा वाला वाटरफॉल देखना है ना। आपको अगर याद होगा तो मैंने अभी तक का सबसे बेस्ट वाटरफॉल देखा है और आपको भी दिखाया है, उसका नाम है बिरथी वाटरफॉल, जो कि हमें मुनस्यारी के रास्ते में मिला था। और यहाँ से एक बार आप व्यूज़ देखो, यहाँ के जो पहाड़ है वो थोड़े ऊंचे से हैं, मतलब इसको अपर हिमालयन रीजन कहा जाता है, और जो हिमाचल के और उत्तराखंड के हैं वो लोअर हिमालयन रीजन में आता है, तो वो थोड़े से कम ऊंचे से, मतलब थोड़े क्या ऊंचे में, ज़्यादा ही कम ऊंचे होंगे, लेकिन यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे और लोग बहुत ऊपर ऊपर रहते हैं। आप देखो वहाँ भी लोग रहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आगे जवाहर टनल आने वाला है एंड वो कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर से, द मोस्ट फेमस जवाहर टनल। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो करीब 8 बज रहा था। और एक और वाटरफॉल में हमें मिला है छोटा सा, सामने मिला है सामने। तो यार ऐसे ही रास्ते में आ रहा था तो कभी बारिश आ रही थी कभी धूप, लेकिन अब आए हैं मेरे भाई नज़ारे वहाँ से लेकर वहाँ तक।
कितना प्यारा व्यू है ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे मैंने सोचा कि चलो ड्रोन से भी आपको दिखाता हूँ, और मैं वहाँ तक ले गया ड्रोन, फिर मुझे पीछे से विशल की आवाज़ आई और सामने पता चला बेस कैंप है। भाई मेरी फट के चार हो गई, हमने फटाफट पैक किया और अब हम निकल रहे हैं। अच्छा हुआ ज़्यादा ऊपर नहीं, क्यों अब आ गए। जैसे मैंने बताया था दो टनल इस बार ही आएंगे, दिस इज़ द मोस्ट फेमस जवाहर टनल। तो ये बेसिकली कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर से। बहुत छोटा सा टनल है, मतलब 2 किलोमीटर का है, और एक साइड से ही लोग जा सकते हैं, आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे। अब ऐसा होगा ट्रक ना धुआं छोड़ेगी, देखो कितना छोटा टनल है ये, और ऐसे ही इसी स्पीड में चलना होगा इसमें, क्योंकि भाई आगे ट्रक है। मुझे नहीं पता जब ये लोग बना रहे थे तो उनने इतना छोटा क्यों बनाया, थोड़ा और बड़ा बना देते यार, दो लोगों के लायक बना देते, ताकि हम जैसे छोटे मोटे बाइकर थोड़ा ओवरटेक करके आगे निकल जाते यार। पर एक बात तो है, इस टनल में थोड़ी सी लीकेज हो गई है। ले अब लग गया टनल में जाम, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे लीकेज है, वहाँ पे लीकेज है। तो यार ऐसा हो गया कि जाम लग गया और टनल के बीचों बीच है, तो हम क्या कर रहे हैं, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, ओहो लग गए 440। तो यार यही हो रहा। तो क्या आप विश्वास करोगे कि इस टनल पे और इस जाम में 1 घंटे हो गए, नहीं करोगे? हुए ही नहीं है यार, 5 मिनट में जाम टूट गया। हमने मस्त डांस करा, मतलब मैंने गाना गाया, मेरे भाई अंकित ने डांस करा। तो यार लास्ट टाइम कुछ 7-6:30 बजे हम यहाँ से निकले थे और पूरा सब कुछ अंधेरा सा हो गया था। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये बेसिकली है काजीगुंड, और पिछली बार हम जा नहीं पाए थे एंड यहीं पे हमने स्टे किया था। अब कहाँ किया था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आप देख लो, ये काजीगुंड और यहाँ से श्रीनगर है 72 किलोमीटर, जो कि हमने मोस्टली 2 घंटे में बर्फ, ये देखो पूरा बर्फ, और यार मौसम भी उधर काफ़ी प्यारा हो रहा है। तो ये जो आप हर 10 कदम पे आर्मी देख रहे हो, ये इसलिए हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 1 हफ्ते पहले ही अनंतनाग में अटैक हुआ था, और जिसके कारण ये सारे लोग खड़े क्यों हैं ना। तो ऐसा है कि 4 दिन पहले ही अटैक हुआ था, तो उसके लिए काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पिछले बार भी जब हम आए थे तो हर 10-15 कदम पे आर्मी खड़ी थी। उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो आप पूरा जंगल देख रहे हो, इसके जस्ट पीछे पूरा जंगल ही है। तो यहाँ से यार आपको पता है इंडिया में क्या हाल है, श्रीनगर का, कश्मीर का, तो थोड़े ऐसे मिस हैपन वाले चांसेस लगे रहते हैं, तो उसके लिए ये पूरा सिक्योर किया गया है। हाँ जी, श्रीनगर 69, और मेरे ख्याल से जहाँ से हम जहाँ पे हम रुके हुए थे, जहाँ तक मुझे याद है 65 या 62 का बोर्ड लगा हुआ था। सैल्यूट टू दीज पीपल मैन। तो यहाँ पे रोका गया मुझे, पता नहीं क्यों। पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आदमी है। आप कौन से देश से क्यों हरियाणा के? हम तो मैं फरीदाबाद का, हरियाणा। मैं पानीपत से हूं। पानीपत पास गया आज भी। दो मारे ना इधर, ये पूरा इधर जंगल है। मारे अभी आ गए इनको, आतंक वही पाकिस्तान ही कोई? हां, दो मारे, एक आर्मी का मेजर, एक सिपाही का, एक बेसिक का। ओ, शहीद हुए? नहीं, घायल हुए ओनली। उनके तो दो शहीद हो गए। उनके शहीद कहां है सर? उनको तो लगे, उनके तो उनको क्या शहीद, उनको तो अपने हो गए ना।
ठीक है सर, जय हिंद। एक मिनट डिस्कनेक्ट करना। तो यार जैसे मैं बता रहा था कि पिछले हफ्ते अनंतनाग में ऐसा सीन हुआ है। देखो ये बता रहे थे सर कि अभी भी ऐसा कुछ सीन हुआ है जिसमें कि लोग घायल हुए हैं। और उधर से अनंतनाग यहाँ से देख लो 21 किलोमीटर है, यहाँ भी रोका गया। अभी सर जी वो उन्होंने बोला जाओ पीछे जो आओ, उन्होंने बोला था आगे चले जाओ कर ले। और तो यहाँ यार आए दिन ऐसा सीन होता रहता है कि जब आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ से कितनी दूर में हुआ होगा? इससे सारा कोई दूर है। दूर है 50 साल श्रीनगर के रास्ते में। तो आज हम जा पाएंगे सर? आज हम श्रीनगर जा पाएंगे? आराम से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप यही रहते हो? मैं इधर रहता हूं, काम तुम्हारा। अच्छा, ये काजीगुंड है ना? हां ये काजीगुंड है। पिछले बार भी हम आए थे तो ऐसे ही सिक्योर था सब कुछ, हर 10-10 कदम पे आप लोग खड़े थे। हां सामने से देख रहे हो बारिश आ रही कितनी तेज। तो यार बारिश तेज आ रही है और करीब 1 घंटा हो गया हम यहां पे रुके हुए एंड वी आर वेटिंग कि हमें अलाउ करे आगे जाने का। अभी 5-10 मिनट कह रहे थे वो करते इनकी खुद की गाड़ी नहीं जा पा रही। तो मुझे लग रहा है कि आज भी शायद इस बार भी शायद यहीं पर रुकना पड़ेगा बारिश, क्योंकि भाई बारिश के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो करीब 2 घंटे के बाद शायद कह रहे जाने को चलो। तो यार ये देखो ये है पुलवामा और आगे है उरी। उरी है करीब 150 किलोमीटर यहाँ से और पुलवामा तो बगल में ही है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये डल लेक है। और पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार हम दिन में निकल गए थे और इस बार ही मौका मिला है कि हम शायद यहीं पर रुक रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर अगर रुकना है तो अगर श्रीनगर में रुक रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा ये जो हाउस बोट है आप इस पर रुको। और अगर आपके पास हमारी जैसी बाइक हो तो आप ना रुको, क्योंकि पैदल चल के जाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे स्टे ले लिया है, मतलब ले लिया था। और कहाँ पे लिया था, क्या रहा स्टे का, ये आपको सब अगली वीडियो में आएगी। तो ये देख लो ये है डल लेक, दिन में कुछ इस तरह का दिखता है। मैं सोच रहा था रात में ना दिखा के दिन में दिखाऊं। ये पूरा पहाड़ों से कवर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियो में पूरी डेस्टिनेशन दिखाएंगे। तो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।